उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित हाथरस कांड में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। एक आरोपी को दोषी करार दिया गया है जबकि तीन आरोपियों को बरी कर दिया गया है। वहीं कोर्ट ने एक आरोपी संदीप को आजीवन कारावास की सजा के साथ 50,000 का जुर्माना लगाया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। हाथरस बलात्कार हत्या मामले में स्थानीय अदालत ने आरोपी रवि, रामू और लवकुश को बरी कर दिया जबकि मुख्य आरोपी संदीप को आईपीसी की धारा 304 और SC/ST एक्ट के तहत दोषी ठहराया गया है। पीड़िता पक्ष के वकील महिपाल सिंह ने कहा कि न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ वो हाईकोर्ट जाएंगे। वहीं अभियुक्त पक्ष के अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुंडीर ने बताया कि मामले में दुष्कर्म और धारा 302 को सिद्ध नहीं कर पाए। एक अभियुक्त को केवल धारा 304 और SC/ST एक्ट में दोषी पाया है, बाकी तीन को बरी कर दिया गया। गौरतलब है कि 14 सितंबर 2020 को दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाली युवती के साथ चार लोगों ने कथित तौर पर बलात्कार किया था। 29 सितंबर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान पीड़िता की मौत हो गई थी। घटना तब चर्चा में आई थी जब 29 से 30 सितंबर के बीच 2020 की रात में पुलिस ने पीड़िता का दाह संस्कार कराने का प्रयास किया था। पीड़िता के परिवार ने यूपी पुलिस पर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। यूपी पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर दावा किया था कि पीड़िता के साथ गैंगरेप नहीं हुआ। यूपी पुलिस के इस बयान के बाद कोर्ट ने यूपी पुलिस को फटकार भी लगाई थी। इस मामले में योगी सरकार ने SIT भी बनाई थी। CBI ने सितंबर में आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। केंद्रीय एजेंसी ने अपने अंतिम रिपोर्ट में यह कहा था कि आरोपियों संदीप, लवकुश, रवि और राम ने युवती से उस वक्त कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया था जब वो चारा इकट्ठा करने के लिए खेतों में गई थी। CBI द्वारा अदालत में सौंपे गए जांच के निष्कर्ष में गांव के चारों आरोपियों पर बलात्कार, हत्या और सामूहिक बलात्कार से संबंध भारतीय दंड संहिता की धाराएं लगाई गई थी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।